अब हरियाणा में कांग्रेस की कलह उबाल मार रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज कुलदीप बिश्नोई ने आखिरकार विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुलदीप बिश्नोई ने इस मौके पर कहा कि मन मुटाव तो परिवार में भी हो जाते हैं, लेकिन ये दुश्मनी में नहीं बदलने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अब हुड्डा मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर सीट से चुनाव जीत कर दिखाएं, और अगर मैं हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, जिस आदमी के जिस शरीर में जान होती है उसी के लोग विरोध करते हैं, मुर्दों का कौन विरोध करेगा। कुलदीप बिश्नोई में अगर कोई दम है तभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई। इससे पहले कुलदीप ने ट्वीट किया कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। हिसार जिले की आदमपुर सीट से 2019 में कांग्रेस विधायक बने कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने 10 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। खबरों के मुताबिक वो आदमपुर से अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए भाजपा का टिकट और हिसार से लोकसभा का टिकट पाने के इच्छुक हैं। बहरहाल 6 साल बाद कुलदीप ने विधायकी और कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। कलह का आलम यह है कि कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष ना बनाए जाने पर रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर उनकी हिमायत की थी। पर मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है। ये लड़ाई अब भी चल रही है। हालत ये है कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर लोगों तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए चिंतन शिविर रखा था, लेकिन इसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उदयभान ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया था तो दूसरे नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह भी गिनाई थी। कोई ना आए, किसी पे कोई अपना काम लग सकता है, किसी पे कोई अपनी पहले कहीं और जगह एंगेजमेंट हो सकती है, तो ये थोड़ी होता है कि भाई कि सारा ही 100% आया करते हैं। बहरहाल सभी जानते हैं कि उदयभान हुड्डा गुट के करीबी हैं और शिविर में हुड्डा गुट का दबदबा होने के कारण इन नेताओं को शिरकत करना मंजूर नहीं था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुटबाजी से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी साफ जवाब नहीं था। लेकिन कुमारी शैलजा ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को बैठक में ना बुलाने पर आयोजकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रभारी केंद्रीय नेतृत्व का दिया पद है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हरियाणा में 2024 में चुनाव हैं और कांग्रेस सत्ता विरोधी भावना का फायदा उठाने की हालत में नहीं है, बल्कि प्रदेश कांग्रेस को कुरुक्षेत्र बनाकर एक दूसरे के खिलाफ नेता साजिशों में जुटे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम कांग्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।